Are you ready? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सेकंड T20 मैच एक दिलचस्प रहा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, लेकिन आखिरकार जीत पाकिस्तान के नाम आई। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कमाल की बैटिंग की। बाबर आजम ने 54 रन की इनिंग्स खेली 40 गेंदों पर, जबकि 46 रन की शानदार इनिंग्स खेली मोहम्मद रिजवान ने। वहीं भी अगर बात कर लें हम बॉलिंग की, तो मोहम्मद हफीज ने कमाल कर दिया। अगर मोहम्मद हफीज यहाँ पे 4 ओवर का बेहतरीन स्पेल ना करते तो पाकिस्तान टीम का इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि पाकिस्तान ये जीत सकता। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हफीज ने 4 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, जिनमें से 20 डॉट बॉलिंग की, सिर्फ 4 गेंदों पर 6 रन दिए और एक खिलाड़ी को भी आउट किया। उसके बाद मोहम्मद हफीज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इस कारकर्दगी के बाद तकरीबन शुएब अख्तर का मुंह बंद हो गया होगा कि उनकी सिलेक्शन गलत हो रही है, मोहम्मद हफीज को मेरिट पर शामिल नहीं किया जा रहा। मोहम्मद हफीज ने रात तमाम तर दुश्मनों के मुंह बंद कर दिए। दोस्तों, आपके ख्याल में मोहम्मद हफीज को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करना चाहिए या नहीं, नीचे जरूर बताएं। अल्लाह निगहबान दोस्तों।